शेयर करूंगी ये ब्लैक आई मेकअप लुक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यूज़ करूंगी प्लम का ग्रीन टी टोनर। टोनर से हमारे फेस को हाइड्रेशन मिलती है और हमारे ओपन पोर्स मिनिमाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट मैं यूज़ करूंगी जॉय की स्किन फूड मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर से हमारे फेस को हाइड्रेशन मिलती है और हमारा मेकअप बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है। नेक्स्ट मैं यूज़ करूंगी जॉय की लिप बाम अपने लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए। नेक्स्ट मैं यूज़ करूंगी ब्लू हेवन का प्राइमर। प्राइमर से हमारे जितने भी ओपन पोर्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं और हमें एक मैटिफाइन लुक प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट यहाँ मैं यूज़ करूंगी कलर करेक्टिंग अपने फेस के कलर को करेक्ट करने के लिए। कलर करेक्टिंग से हमारे जितने भी डार्क सर्कल और पिगमेंटेशन है सारे हाइड हो जाते हैं और उसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी लैक्मे का मूस फाउंडेशन। इस फाउंडेशन को मैं डॉट डॉट कर अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी और उसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड भी कर लूँगी। ये फाउंडेशन बहुत ही लाइट वेट है और आपको लो टू मीडियम कवरेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट यहाँ मैं यूज़ करूँगी एले गर्ल का कंसीलर। ये कंसीलर येलो अंडरटोन में है तो ये आपके फेस को बहुत ही अच्छे से हाईलाइट करेगा, जितने भी डार्क सर्कल है उसे कैंसिल आउट करेगा और इवन लुक प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट यहाँ मैं यूज़ करूँगी लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर जिससे मैं अपने सारे फेस को सेट कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी एडियस की आईब्रो पेंसिल इन दी कलर ब्लैक। मैं इसे बहुत ही हल्के हाथ से अप्लाई करूँगी और इसे आईब्रोज को फिल कर लूँगी। नेक्स्ट मैं उस एक स्पूली लेकर इसे पूरे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि प्रोडक्ट इक्वली ब्लेंड हो जाए। नेक्स्ट मैं लूँगी हुडा ब्यूटी की ड्यूप आई शेडो पैलेट और इसमें से लाइट ब्राउन कलर लेकर मैं अपने क्रीज पर अप्लाई कर लूँगी। मैं अपने क्रीज को डिफाइन करूँगी यहाँ पे। मैं इसे एज अ ट्रांजेक्शन शेड अप्लाई करूँगी और इसे बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ये आई शेडो पैलेट बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही ईजिली ब्लेंड भी होता है। आप देख सकते हैं कि मेरे आईज पर कितना ईजिली ब्लेंड हो रहा है। नेक्स्ट मैं एक फ्लैट शेडर ब्रश लूँगी और उससे ब्लैक कलर लेकर अपने पूरे आईलेट पे डिपॉजिट कर लूँगी। ध्यान रहे कि आपको सिर्फ आईलेट पे ही अप्लाई करना है, आईलेट से ऊपर नहीं जाना है क्योंकि बाद में हमें इसे ब्लेंड करके एक स्मोकी लुक देना है। नेक्स्ट यहाँ मैं एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी और इसे अपने ब्लैक और ब्राउन शेड को मिक्स करके अप्लाई करूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना मिले। मैं इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी। आप देख सकते हैं आपको भी इसे बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है, इस पर आपको ब्लेंडिंग में अच्छे से टाइम देना है। नेक्स्ट मैं लूँगी स्विस ब्यूटी की काजल और इसे अपने लोअर वाटर लाइन पर अप्लाई कर लूँगी। फिर मैं एक स्मॉल स्मजर ब्रश लेकर ब्लैक कलर लेकर अपने लोअर लैश लाइन के क्लोज क्लोज अप्लाई कर लूँगी और काजल को भी मैं ब्लेंड कर लूँगी साथ में। नेक्स्ट मैं उसी पैलेट में से कॉन्टोर शेड लेकर अपने फेस की कॉन्टोरिंग करूँगी। मैं अपने फोरहेड, चिक एंड जॉ लाइन की कॉन्टोरिंग करूँगी, साथ साथ में मैं अपने नोज़ की भी कॉन्टोरिंग करूँगी जिससे मेरा नोज़ बहुत ही शार्प लगे। नेक्स्ट यहाँ मैं लूँगी स्विस ब्यूटी की अल्ट्रा ब्लश पैलेट और इसमें से मैं पिंक कलर लेकर अपने चिक्स पर अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैं उसी पैलेट में से हाइलाइटर शेड लेकर अपने फेस की हाइलाइटिंग कर लूँगी। हाइलाइटर मैं अपने चिक बोन, नोज़, क्यूपिड, चिन एंड फोरहेड पे अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैं एक स्मॉल ब्रश लेकर अपने ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर लूँगी और साथ ही साथ मैं अपने आईज के कॉर्नर पे भी अप्लाई कर लूँगी। मैं यूज़ करूँगी मीना जनरेशन की सुपर मैट लिप लाइनर इन दी कलर पिंक और इसे मैं अपने एज अ लिपस्टिक पूरे लिप्स पर अप्लाई कर लूँगी। देन मैं फिर एक दूसरा रेड कलर का लिप लाइनर लूँगी और उसे उसी लिपस्टिक के ऊपर अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैं लूँगी मार्स का मस्कारा एंड देन उसे अपने लैशेस को कर्ल करते हुए अप्लाई कर लूँगी। एंड दिस इज़ अ फाइनल लुक गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।